आपको सरकार बन रही है आप लोगों की 100%। तो उम्मीद करें कि इस बार कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी व्लॉग्स में। तो आज जो है हमारे कालाडूंगे में आ रही है श्रीमती स्मृति रानी जी। मैं बताऊं जो कि अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है इंडिया की। जैसे कि पता है अभी जो है उत्तराखंड में इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो उसी दौरान अभी इलेक्शन काफ़ी पास आ चुके हैं, तो वो भी आ रहे हैं हमारे कालाडूंगी में। तो अभी जो हम लोग चलते हैं वहीं पे को और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का माहौल जो है किस तरह से है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम देंगे आपको पल पल की खबर। सो गाइस, अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं रामीला ग्राउंड पे। यहाँ पे जो है आई हुई है यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, और देखिए किस तरह का जो है माहौल है यहाँ पे अंदर। और अभी जो मैं बताऊँ हेलीकॉप्टर आ रहा है सामने से, जो है उसी में वो आ रहे हैं। तो अभी जो आप लोगों को दिखाता हूँ सामने। आए हुए सभी मेरे वरिष्ठ कनिष्ठ भाइयों और बहनों, नजर नजर में ठहरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना भी कमाल होता है। बुलंदियों को छूना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर पहुंचकर ठहर जाना कमाल होता। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण ऊंचाइयों पर है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल गिनीज बुक में दर्ज है, हम सब सम्मानित उसके सदस्य हैं। मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, ये ऊंचाई और बढ़े, हमारा राष्ट्र और ऊंचा बने, इसके लिए 14 तारीख हमको कमल का बटन दबाना है। इस देश को मजबूत करने के लिए आपका दिया गया वोट केवल बंशीधर भगत को विधायक नहीं बनाएगा, बल्कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने देश को आज ऊंचाई पर लाया उसके हाथों को मजबूत करेगा।
मित्रों, बहुत संक्षेप में कहने को कहा गया है और बहन जी बहुत अच्छा विषय रखेंगी, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों को निभाने में नंबर वन है। हम जब कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कांग्रेसी हमको कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने इनके गाल पर पक्का तमाचा जड़ा और कहा सारी दुनिया देख रही है हम कैसे वचन निभाते हैं, जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वही है। ये धरती मुझसे पूछ रही है कब मेरा कर्ज चुकाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ रहा है कब अपना फर्ज निभाओगे। सौगंध मुझे मैंने वचन दिया है भारत माँ, मैंने वचन दिया है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस देश ने अब बच्चे बोले बीजेपी आएगी। बोले यार एक बात बताओ अम्मा, हम तो ये सुन के आए थे ये कह रहे कांग्रेस आएगी। बोले हाँ तुमने भी सही सुना, लेकिन इनकी तब आंख बंद थी। इनकी आंख बंद थी, अब इनकी आंख खुल गई है। इनको पता चल गया कि कांग्रेस ने इस देश में क्या किया। 50 साल के इतिहास में बिना कर्ज वाले देश को विश्व का सबसे बड़ा कर्जमान देश बना दिया। तो अब आंख खोलने की जरूरत है मित्रों। जीत के लिए एक जनून चाहिए जिसमें हो उमाल, ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मैं आज कारक हुई विधानसभा में, अपनी बहन स्मृता ईरानी जी का हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं, उनका पूरे क्षेत्र में मन से स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि उनका जो आज का दौरा रहा है, डीडीहाट में गई है, भीमीताल में गई है, अब काला ढूंढ भी गई, कोई और जगह भी गई, और तीनों स्थानों पर आज का आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके गया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में दोबारा से अब की बार 60 के पार। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी है। देखना है कल क्या होगा, आप सबके इरादे भी तो जिद्दी हैं। अब की बार दोनों हाथ खड़े करके, अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैदान हो राम के नाम का, मंच पर स्वयं बंसीधर विराजे हो, तो फिर मां भारती का जय घोष थोड़ा और जोश से होना चाहिए। तो बोले भारत माता की। भाई साहब ने भारत माता जयकारा इसलिए जोर से लगाया क्योंकि सुनने में यह आया कि गांधी परिवार आज देवभूमि पधारे हैं। तो वो लोग जो भारत के टुकड़े होने का नारा देते हैं, वो काला डूंगी के इस भाई की आवाज भी सुन लें
उम्र में उनसे शायद बड़े हैं, लेकिन मन में मां भारती के लिए प्रेम, देवभूमि का उत्साह, और वो शूरवीर जिन्होंने अपने प्राणों को त्यागा इस राष्ट्र के संरक्षण के लिए, उन्हीं के प्रतिनिधि है नागरिक। उस परिवार से कहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीवित है, तब तक भारत का बाल बांका नहीं हो पाएगा। भारत की जय। राजनीति की एक ऐसी होड़ है कि राहुल गांधी को यह लगा कि उनकी राजनीति इस बात से चमक जाएगी अगर वो भारत के टुकड़े होने की मात्र कामना नहीं बल्कि नारा भी देते। और इसलिए आज वीरों की भूमि देवभूमि पर जब वो पधारे हैं, तब उनसे कहना चाहती हूं कि जिन लोगों को आपने कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के टुकड़े होने की कल्पना की, जिनका आज आप संरक्षण करते हैं। इसलिए अगर दम है जाकर उस मां की आंख से आप मिलाकर दिखाओ जिसने अपने बेटे के जनाजे को उठते देखा है, क्योंकि तो उसका बेटा हिंदुस्तान की फौज में। क्या बात है, बहुत भारत माता की। अगर दम है तो जाकर भारत के टुकड़े होने का नारा दिखाओ उसके सामने देकर, जो भारत की फौज में सरहद पर जाकर तैनात रहा वर्षों वर्ष अपने परिवार से दूर, और रिटायरमेंट के बाद जो अपने गांव अपने घर लौटा है, अगर हिम्मत है उसके सामने जाकर भारत के टुकड़े होने की बात करो। हिम्मत नहीं होगी क्योंकि देवभूमि पर एक ऐसा वीर नहीं है, एक ऐसा नागरिक नहीं जो इस बात को पछता ले। इनकी राजनीति अद्भुत है, अनोखी है। यहां बंसीधर जी वर्षों वर्ष संगठन में सेवा देते 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 आज एक बार फिर आपके सामने नतमस्तक होकर उपस्थित हुए हैं कि वोट रूपी आप अपना आशीर्वाद दें, और दूसरी ओर वहां उस खानदान में जन्म लेते ही नेता पैदा हो। एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हूं जो विपदा की घड़ी में नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौती का सामना करते हैं, और दूसरी वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिनके नेता कब दिल्ली में है कब विदेश में है, जो उनके अपने कार्यकर्ता नहीं जाता। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात कही है। जिनकी झोपड़ी में कच्चे मकानों में सूर्यास्त के बाद अंधेरे के सिवा कुछ नहीं, के जनपद में भी 22,000 मकानों में पहली बार बिजली की तार तब गई जब भाजपा की सरकार बनी। ये वो नहीं समझेंगे जो महलों में पैदा हुए, जिन्होंने अपने घर परिवार को रोशन करने के लिए राजनीति की, ये वो समझेंगे जिन्होंने गरीबी देखी जलालत देखी, ये वो समझेंगे। और आज हमारा सौभाग्य है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से इस जनपद में 60,000 से ज्यादा परिवारों को स्वच्छ जल दिलवाने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहाँ जितने संपन्न लोग उपस्थित हैं वो शायद इस पीड़ा को कभी नहीं समझे,
जिसने जाकर किसी नेता से कहा हो कि मेरे लिए शौचालय बनाओ, कभी किसी औरत ने नहीं कहा। औरत के मांग के चलते कि अगर गरीब के घर में जन्मी है तो उसे खुले में ही शौच करना। शर्मसार वो औरत हर दिन सूरज के ढलने का इंतजार, रात के अंधेरों में खुले में शौच में जाती, जो आज बहनों ने सर पर आंचल काढ़ा है उस आंचल से अपने आप को ढांकती ताकि किसी के घर की गाड़ी की रोशनी उन पर ना हो, ताकि वो औरत लज्जित ना हो। घर लौटती तो घर में पिता पति भाई बेटा आंख से आंख नहीं मिला, क्योंकि घर के उस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता शौचालय बनाने। हमने कभी अपने मैनिफेस्टो में साल 2014 में लिखा नहीं था, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो गरीब मां का बेटा जिसको आपने प्रधान सेवक बनाया उसने कहा कि अगर औरत की इज्जत करते हो तो कम से कम बहु बेटियों के लिए शौचालय तो बना दो। और आज हमारा गौरव है कि मां के बेटी के बहु के संरक्षण में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय परिवारों के लिए अगर किसी ने बनाया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता। ये सुविधा आपके विधानसभा क्षेत्र में भी उपलब्ध हुई, ये वो नहीं समझे जो बड़े खानदानों में महलों में पैदा हुए हैं, ये वो समझे जिनकी दिन की शुरुआत ही संघर्षों से होती है। इसीलिए दिल तक पहुंच रही है, इसलिए राम के मैदान से बंशीधर की उपस्थिति से इस मंच से उन बहनों को भी प्रणाम करती हूँ जिनके घर पर कांग्रेस का झंडा लगा है जो सुनने के बाहर आए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का संकल्प ये कि चुनाव अपनी जगह विकास अपनी, जीतने के बाद कोई पक्षपात नहीं कोई भेदभाव, लेकिन पक्षपात भेदभाव कांग्रेस पार्टी में कैसा होता है इसका एक उदाहरण कालाडूंगी में देखा है। पहले कहा कि कोई और बनने वाला है प्रत्याशी, फिर कोई और बनने वाला है प्रत्याशी, अरे कांग्रेस वाले क्रॉस कर ले भैया, लड़ाना किसको है जो खुद कंफ्यूज है। वो कहता है क्या मुझे विश्वास, आप सोचिए एक ऐसा प्रत्याशी जो अपनी पार्टी की पहली पसंद नहीं, उनको अपना प्रत्याशी पहले से पसंद नहीं तो आप पसंद करके क्या करोगे। और इसीलिए आज आपसे कहने आए हूं राम के मैदान में बंशीधर की उपस्थिति में, इनका रिमोट कंट्रोल तक बिगड़ जाता है इनको पता नहीं चलता। अच्छा जी, रिमोट कंट्रोल विपदा की घड़ी में काम नहीं आता है, सत्ता में काम आता है। ये सत्ता के साथी हैं, विपदा में कभी दिखाई नहीं देंगे। कोविड की इतनी विषम परिस्थिति और महामारी आई, कांग्रेस का कोई नेता दिखाई दिया जनता में? वो भाजपा ही है जिसने सर पर कफन बांधकर गांव गांव पात पात घर घर जाकर मास्क बांटा सैनिटाइजर बांटा, सच कह रही हूँ। ये भाजपा की सरकार है जिसने हर गरीब को 19 महीने मुफ्त
द्वारा संज्ञा दी हुई। ये भाजपा की सरकार है जिसने हर हिंदुस्तानी को मुफ्त का टीका दिया। सही कह रही हूँ? दिल पर हाथ रखकर कहिए, विपदा की इस घड़ी में अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो आधा अनाज उठा जाते, आधे का पैसा चंपक हो जाता और वैक्सीन के अलग कहानी होती। बार बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा दवा बनाएंगे हिंदुस्तान में, वैक्सीन बनाएंगे हिंदुस्तान में, और कांग्रेस के नेता कहते रहे नहीं देगी। देश से लेकर राजा की बेटा बार बार नरेंद्र मोदी कहते रहे, भाजपा कहती रही हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों में, हमारी काबिलियत में विश्वास करो। कांग्रेस कहती रही नहीं नहीं, भाजपा की वैक्सीन है हम नहीं लगाएंगे। भाई कह रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का दुस्साहस ऐसा कि कहने लगे भाजपा की वैक्सीन है हम नहीं लगाएंगे। भैया 14 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, विकास का इंजेक्शन लगाओ, अरबिया बंद कर देना। ढूंढी में लोगों ने बोला कि वहाँ बंसी भगत जी ने विकास कार्य नहीं किए, हम 50,000 वोट हैं, हमको वो अशुद्ध मान लेते हैं और 1,30,000 वोट उधर की तरफ उसी को वहाँ करते विकास। एक गांव ऐसा नहीं हो सकता जहाँ मैं नहीं गया। सबसे दुरस्त गांव धापला है, वहाँ भी मैं कई बार गया और धापला से हम इस बार जीतेंगे। सर क्या लगता है आपको सरकार बन रही है आप लोगों की? 100% तो उम्मीद करें कि इस बार कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं।
बंसीधर 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 चप्पा चप्पा चप्पा।